उम्र तो ज़्यादा हो गई, काम नहीं करेंगे तो खाने को कहाँ से आएगा। महंगाई बहुत है, नौकरी बच्चों की लगी नहीं, खेती में कभी सूखा पड़ गई, कभी ओले पड़ गए, खेती में भी पूर्ति नहीं होती है। सरकार को तो ये इनकी भी पेंशन होनी चाहिए, जैसे रिटायरमेंट नौकरी वालों के लिए पेंशन कर देते हैं और किसान के लिए कुछ नहीं है। ये बाहर निकल जाते हैं बच्चे तो फिर और परेशानी, या अपने साथ ले जाते हैं, जो है परेशानी परेशानी है वृद्धावस्था में। तो यहीं बच्चे पैदा हुए थे, यहीं मेरी शादी हो गई, यहीं शादी करी बच्चों की, बहू बेटे अपने अलग अलग हैं सब। हाँ, कौन देखेगा, अपने बच्चों को देखेंगे, मेरे को देखेंगे? अपने थोड़ा सा इल्ला लेके बैठी हूँ, टोकरे में लेके सामान, अपने 10-20 रुपए मिल जाते हैं, खा लेती हूँ अपने। मैं तो ऊपर वाले के ऊपर ही बैठी हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कोई ठिकाना नहीं है। मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मेरे बराबर वाली है, वो मेरे पूती गत्ती रहती है, वो पानी डाल देती मुँह में, वो मुझे दे देती है खाना, मैं कहाँ जाऊँ? अब ना चलेंगे हाथ पाँव तो भीख मांगूंगी, किसके सहारा रहूंगी? सरकार सुनती कब है, करना चाहिए ही ना, इन्हें करेंगे कहाँ, करते सुनते तो नहीं है। अब इनके ये कोई मर जाता है, बड़ा आदमी मर जाता है तो छुट्टी हो जाती है दुकानों की, दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, और छोटा आदमी मर जाता है तो कुछ भी नहीं होता। हमारे दिल से पूछो, हमारे दिल से भी क्या बीतती है, अब क्या कहें, किससे कहें, किससे नहीं सुने। जो ठीक है भगवान जो करेगा वो रह रहे हैं। जैसा अपन मेहनत करो, खूब उनके आगे 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 करते रहो, तो अपने को खूब प्यार से माँ माँ बोलेंगे कि मेरी माँ ऐसे, मेरी माँ चल माँ खाना खा ले, बैठ जा, ये कर ले। और अपन एक दिन नहीं मेहनत करो ना तो बहू भी ऐसे मुंह खुला के बैठ जाएंगे और बेटा भी, फिर अपने को नहीं बोलेंगे। तो अपने मेरे दिल से मैं समझ जाती कि देख मैंने आज पानी नहीं भरा, कि कौन सा काम नहीं करा, तो देख मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे को ही दुख लगता। फिर मैं एक तरफ जाके चुपचाप बैठ जाती, फिर मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि चल तू खाना खा ले। तो मजबूरी करते हैं ना, इस उम्र में जो कर रहे हैं मजबूरी करते हैं ना, तो करने का तो उम्र नहीं है, अभी बैठ कर खाने वाले थे, बैठ कर खाते, मगर क्या किया जाएगा, फिर करने पड़ता है, इसलिए जो कि कमा कर अगर नहीं खाएंगे तो फिर कर क्या सकते। बच्चे हैं, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना में मेंटेन नहीं पूरा हो रहा है तो हमारे कहाँ से कर सकते हैं, अपने बच्चे को नहीं खिला मेंटेन पूरा कर रहे हैं, पढ़ाने में लिखाने में उसको खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, हमको कहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार समय तो बीत जाएगा हमारा, या जिस प्रकार से बीते दुख और सुख जो ये चित्त साथ है। देखभाल करने वाला हमारे ऐसा आदमी को हम बना तो सकते हैं, इसकी में से बात थोड़े, सरकार को तो चाहिए इस बात को करने के लिए, बिल्कुल चाहिए। दिक्कत हो जाता है थोड़ी बहुत, पैसा वैसा किससे हाथ मारूं, कोई देगी हमको नहीं देगी, अब बच्चा क्या कर लेगी हमको, बच्चा तो हमको रोटी नहीं दे रहे ना, जे भी कर कुछ करके खा रहा, हम ही कमा के खा रहे ना। अब इसे तो पैसा नहीं होता है, आदमी से प्यार होता है, तो प्यार मोहब्बत में सब कुछ भूल जाते लोग। काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर काम किए हुए पेट चलने वाला है, कोई हो, पोता हो, पोती हो, दुनिया हो, जहान हो, कोई बगैर कमाए हुए कोई किसी को पूछता है, कोई किसी का नहीं है। सरकार को चाहिए हम लोगों के लिए, बूढ़े आदमी के लिए कोई स्कीम निकालना चाहिए, मदद करना चाहिए, देना चाहिए। काम धंधा है नहीं हमारा इतना, किराए में रहते हैं भाड़े में, मुसीबत थी दिन निकालते क्या करें, तभी यहाँ बैठ के रोटी कमा के खा रहे, तो किराया कभी किराया बनता है मकान का तो वो नहीं बनता है, कभी रोटी का नहीं बनता है, ऐसा ही टाइम जा रहा है हमारा बुरा बुरा, क्या करें, कोई मदद भी नहीं करते हमारी, कोई हेल्प भी नहीं करते। उम्र हमारी 72 है, 75 में जाने वाले हैं हम,
पर अभी 2 साल बाकी है, 2-3 साल बाकी है। नहीं भैया, हमको नहीं जिंदा रहना है, जिंदा रह के बोझ उठा के काम करने के लिए। जिंदगी काम करा, कुछ पाया नहीं, हमने खोया है, कुछ पाया नहीं। बाल बच्चे सब अलग रहते हैं, सब चले गए अलग अलग। अच्छे बेटे होते तो हम क्यों आते रोड पे कमाने। बुढ़ा हमारा घर में काम करेगा, रोटी बनाएगा, जाएंगे जब खाएंगे। बूढ़ा भी बहुत तकलीफ में जाता है, वो भी सिर्फ 75 साल का है। ना तो कोई सरकार के तरफ से हमें ना पेंशन मिल रही, ना कुछ मिल रहा, क्या खाएंगे हम? काम नहीं करेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। धूप भी है, छाया पेड़ के नीचे छाया भी हो जाती है, कभी छाया में खड़ा हो गए, कभी चलते रहे। बुढ़ापा आ गया, आराम मिलना चाहिए, सभी कहते हैं, मगर अपना परिस्थिति भी देखना है ना। बच्चे लोग जो है माँ बाप का सेवा करेंगे, कुछ कमाएंगे, माँ बापों के लिए लाएंगे खाने के लिए, तभी तो माँ बाप जो है थोड़ा आराम कर उनको मिलेगा। अब उनकी चीज़ और ख़राब है, जो उनको घर में 2 रोटी नहीं मिले टाइम से तो खराब ही है समझो। अब वो लोग जो है कोई करेगा मर मर के, 2 रोटी लाएगा, बनाएगा, खाएगा। अब करना ही पड़ेगा वो 2 रोटी के लिए, तो पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। बुढ़ा के लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट ने करना चाहिए ना, बुढ़ा लोगों के लिए कुछ पेंशन वगैरह लागू वगैरह ये वगैरह करना चाहिए ना। अब नहीं कुछ करेंगे तो बुढ़े लोग तो ऐसे ही मरेंगे बस।